दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गूगल की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है जिनका नाम है गूगल वॉलेट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के मदद से आपका वॉलेट जो है डिजिटल वॉलेट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आप अपने पॉकेट में वॉलेट तो रख रहे होंगे और उसमें कुछ ना कुछ पैसे रखते होंगे, जैसे गवर्नमेंट आई डी भी रखते होंगे, जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी रखते होंगे, लेकिन वो जो फिजिकल डेबिट कार्ड है आप गूगल वॉलेट की मदद से आप डिजिटल वॉलेट में बदल सकते हैं। इसकी मदद से आप लोग जो है फिजिकल वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाते हैं तो इस वॉलेट से भी आप पे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेव करके रखेंगे तो क्रेडिट कार्ड से भी टैप टू ऑप्शन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में गूगल की तरफ से ये लॉन्च किया जाएगा गूगल वॉलेट एप्लीकेशन। तो ये नाम से ही जानते हैं एक वॉलेट पे निर्धारित रहेगा। जो भी आपके पास वॉलेट में आधार कार्ड, पैन कार्ड या गवर्नमेंट आईडी रहते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहते हैं, उसको आप डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के मदद से। अगर आपके पास कार है तो कार को स्टार्ट करने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल रूप से, लेकिन इस वॉलेट की मदद से आप वर्चुअली की का इस्तेमाल करके कार को स्टार्ट और ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी गूगल वॉलेट में फीचर आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपका क्या राय है, जब ये एप्लीकेशन आ जाएगा क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एप्लीकेशन गूगल की तरफ से लॉन्च किया जाएगा गूगल वॉलेट। और सिक्योरिटी के मामले में हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव रहेगा। जो भी आप डिटेल यहाँ पे सेव करेंगे सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी दूसरा अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, ऐसा गूगल की तरफ से कहा गया है। फाइनली जब ये एप्लीकेशन आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दे देंगे, किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।